गुड इवनिंग ऑल आवर स्टूडेंट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट का बार बार डिमांड थी कि कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या होगा, और यही पूछ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है कि यार वो अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और परेशान होते हैं। ये वाला अगर आप सेशन देखते हो तो एग्जैक्ट और आपको बहुत रिलैक्स होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स आने लगते हैं जब एग्ज़ाम का स्कोर कट ऑफ या मार्क्स पता चलते हैं, तो हर एक स्टूडेंट अपना समय खराब करता है। तो ये वाला सेशन मैंने इसलिए बनाया है, या मैंने बनाने का ट्राई किया या आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि अपना समय न बिगाड़ें और जो सारे र्यूमर्स हैं वो हट जाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे लोग बता देते हैं कि लाइक 250 जा रहा, 280 जा रहा, 260 जा रहा, तो ये हर बार ऐसा आता रहा, हर बार होता रहा। यूटीपीसी इस बार ही नहीं हो रहा है, उससे पहले हुआ। निमसेट भी इस बार नहीं हो रहा है, बहुत पहले हुआ। पिछली बार जब 2023 में यूटीपीसी हुआ था, तो उससे पहले की अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो रियलिटी बदल जाएगी। जब 400 नंबर का पेपर होता था तो लोगों ने कहा कि नहीं यार 300-250 से नीचे कुछ होने वाले नहीं है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 125 वाले जितने नंबर से, या 200 प्लस वाले थे लास्ट ईयर में, तो उनको बहुत ही आराम से रिलैक्स तरीके से डीयू मिला था। तो अगर आप ऐसे कंटेंट को लेके, ऐसे अफवाहों को लेके, ऐसी चीज़ों को लेके बार बार इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो ये वाला जो सेशन है ये भी सफिशियंट आपको नहीं लगेगा। तो आज की डेट में मारुला क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कम्युनिटी पोस्ट हो, कहने का मतलब 10-15 हज़ार लोगों से हम लोगों ने पोल कलेक्ट किया है, जो कि आपका ही पोल है, जो यूटीपीसी के कैंडिडेट्स, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने उस पोल में पार्टिसिपेट किया, उससे क्लियर हो जाएगा कि कितना ऐसा मार्क्स का स्कोर या सेफ स्कोर रहेगा जिससे कि टॉप लेवल, क्योंकि अभी तक सभी बच्चे बात कर रहे हैं टॉप लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नो डाउट DU इज द टॉप लीडिंग, देन आफ्टर दैट JNU और BHU। तो ये तीन कॉलेज किस स्कोर तक आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप रिलैक्स हो पाए, आगे जाके आप निमसेट और जामिया की तैयारी कर पाए। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो अभी तक डरे हुए हैं, और मतलब जो आंसर की का रिस्पॉन्स है उससे वो अपने दिमाग को हटा नहीं पा रहे। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, मारुला क्लासेस, और मेरा अभी तक ये सेशन लेने की मुझे जरूरत नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं लूँ, बट मुझे लगा कि नहीं नहीं बार बार आप मिसगाइड हो रहे हैं, बार बार आप अपना समय खराब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट है। और चैलेंज किन किस क्वेश्चन में करना है, कैसे करना है, वो सारे चार क्वेश्चन जो हैं, जो जिनमें मतलब वो गलत आए हैं, तो उनको हम डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या सोल्यूशन होने वाला है। अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो CUTPG 2024 में एनालिसिस सेफ स्कोर क्या है, चैलेंज किस क्वेश्चन में करना है, इस बारे में। तो एक ये जो आपकी नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि कुछ हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे हमने यहाँ मतलब वहां पे पोल क्रिएट किया था, और ऐसे बहुत सारे, मतलब मैंने सारे स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए, तो 10 ऐसे ग्रुप्स हैं सोशल पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, और कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर। तो सपोज मान चलते हैं 10,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैक्सिमम जो लोगों का मानना रहा कि 150, मतलब कहीं पर भी आप देखोगे तो ज्यादातर लोग बिलो 150, मतलब 70% 80% ऐसे छात्र हैं, 70% तो हर गिरी हालत में है जिनके CUTPG में 150 से नीचे मार्क्स है। अब वो क्लियर आप खुद कर लेंगे, खुद ही आप समझ जाएंगे कि क्या खेल चल रहा है, क्या होने वाला है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया है, इसमें देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज को, यहां जस्टिफाई करा गया है। मतलब अभी आगे बढ़ते हैं किस लाइक हाँ, तो इस पे ही देख लेते हैं। मतलब यहां पर आप समझिए कि जिन बच्चों के मार्क्स हैं तो 150 से बिलो वाले जो बच्चे हैं ये सबसे ज्यादा है, मतलब 300 मार्क्स में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 से कम है, मतलब 70-75 स्टूडेंट है CUTPG के, ऐसे छात्र हैं, तैयारी करने वाले छात्र जिनका 150 से नीचे आ रहा। अगर आप यहां पर भी अपने मार्क्स रियल में डालेंगे तो आप बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 150 से नीचे आ रहे हैं, और 100, 120, 130 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरे 122 नंबर है, सर 133 नंबर है। तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है, यानी लड़ाई जो है सबसे ज्यादा, एक PPT वो नहीं दी जो जिसमें हमने लिखवाया था। अब ये वाला जो स्कोर है 150 से लेके 170, ये सबसे ज्यादा मतलब परेशान है, और ये सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है। मतलब मैं बता रहा हूं, इसको नोट भी करें,
कि आप लास्ट तक जब तक अगर आपका सीयूटी पीजी की काउंसलिंग क्लियर नहीं हो जाएगी, ये वाले सेक्शन के जितने भी छात्र हैं सबसे ज्यादा चैलेंज इन्हीं बच्चों को आने वाला है, क्योंकि इनका क्या है कि ना तो ये इस वाले अपने एग्जाम को छोड़ पाएंगे और ये लास्ट तक घसीटे जाएंगे। मतलब लास्ट तक आप कोई किसी से भी पता कर लो, कोई भी कितना बड़ा हो। मैंने बताया कि मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, कल मैं बताता तो मैं अपनी बात बताता कि भाई ऐसा होने वाला है। आज हम लोगों ने सर्वे किया है, वो आप खुद बता रहे हो, बस एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो ये सबसे ज्यादा, मतलब इनको ये भी नहीं बोला जा सकता कि आपको हमें इनका कॉलेज में अच्छे कॉलेज में होगा, और ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं होगा। तो इनको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और काउंसलिंग के लास्ट फेज तक जाना पड़ेगा। मतलब इनका होगा, मैं ही बोल रहा हूँ क्या इनका होगा, बट काउंसलिंग DU की होगी, काउंसलिंग JNU की होगी, BHU होगी, इनको सभी की काउंसलिंग देखनी होगी, हर एक टॉप लेवल कॉलेज की काउंसलिंग देखनी होगी। और काउंसलिंग के थर्ड फोर्थ राउंड तक अगर ये पेशेंस बना रखें, ध्यान रखना थर्ड फोर्थ राउंड तक बना रखे, तो आप चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, SC वालों को तो अलग ही बात हो गई, ये सारे लोग लास्ट तक अच्छे कॉलेज पा जाएंगे। हर बार होता है, जैसे इस बार अगर आप देखें, अगर DU की मैं आपको लिस्ट पिछली बार का दिखा दूं, तो 230 से भरना स्टार्ट हुआ था, लोगों के मार्क्स 260 भी आए, 270 भी आए, ऐसे लोगों ने लिया, और लास्ट में जाके वो पौने 200, 195, 190 तक रह जाता है। यानी कि 40-45 नंबर तक DU की कट ऑफ लिस्ट खिसक जाती है। तो अगर वो इस बार उठेगी, 200 प्लस वाले जो मार्क्स हैं, मतलब मैं इस पहले इस पे बात कर लूं, ये कम है, उतने ज्यादा नहीं है। तो अगर आप देखा जाए ये वाला जो एरिया कि जो 170 से 190 के करीब मार्क्स वाले हैं, वो स्टूडेंट अब धीमे धीमे गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये स्टूडेंट जो है 10 से 13% ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 170 से 190। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो गणित है, 180 से प्लस के ऊपर आप जाओगे तो आपको, मैं मानता हूं, बाकी कोई कितना भी चिल्लाए कि 240 होगा, 220 होगा। एक और बात ध्यान रखें कि CUT PG का जब आप कट ऑफ देखते हैं, सेफ स्कोर देखते हैं, तो आपको कोई न्यूज फ्लैश होती है तो आपको ध्यान रखना है कि MHistory का कट ऑफ अलग होगा भाई, LLB का कट ऑफ अलग होगा, वहां पर 200 नंबर किसी हालत के नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का देख रहे हैं, आप SCQP 09 का देख रहे हैं, तो यहां पर 200 नंबर एक बहुत अच्छी बात है। पेपर को आप देख लेंगे, पेपर के पहले किसी ने भी, अगर आप देखें आंसर की, मैं भी बोल रहा हूं, और इंडिया में कोई भी आंसर की जिसने दी, सभी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए, किसी को पता ही नहीं चल पाया कि DSA के क्वेश्चंस कितने आए थे। यानी बच्चों को पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं पता थे। अगर आप अब देखेंगे जाके, तो कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कंप्यूटर ही कंप्यूटर आई और OS ही OS आई। अब आपके पास पेपर है, मैंने भी पेपर आपको दे दिया, और आपकी रिस्पॉन्स की खुद आ गई, आप चेक कर लीजिए, तीनों कंप्यूटर सेक्शन बराबर रेशियो में आए, डिजिटल हो, चाहे OS हो, चाहे DSA हो। पर लोग ये नहीं जान पाए तो उन्हें क्वेश्चंस के आंसर कैसे याद हुए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, इनमें आप में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हुआ कि उन्हें ये पता था कि एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मुझे याद था, मैंने दिमाग में रखा भी, और रिस्पॉन्स की में मैं देख रहा हूं तो सी ऑप्शन लगा हुआ है। तो 2-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए कि आपको पता भी है, आपको याद भी है कि मैंने ये किया था, और रिस्पॉन्स की में देखा तो आंसर कहीं कुछ और ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने छेड़छाड़ की। कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किए हैं कि क्या CUT PG वालों ने छेड़छाड़ की मेरी आंसर की के साथ। नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे ही आपने वहां पर अपने रिस्पॉन्स दिए, वैसे उसी दिन भी वो रिस्पॉन्स की आपकी जनरेट कर सकते थे। और जो रिजल्ट है वो भी ऑलरेडी, जैसे ही चैलेंज हम लोग कर देंगे, रिजल्ट जब चाहे तब वो जनरेट कर सकते हैं, जिस दिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कि किस पे चैलेंज आया, जिस दिन चाहेंगे। ये कोई बंदा वहां पे आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहा है, एक ऑटोमेटेड है, जिस दिन शेड्यूल कर दिया जाएगा उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई चीजें नहीं, बट मतलब इस बार ये देखने को मिला कि लोगों के, मतलब मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन तो एक तरीके से मिनिमम, जितने 6 क्वेश्चन सही कर लिए, गलत हो गए, इनकरेक्ट, मतलब उनका स्कोर बहुत उम्दा है, और 10 तक ही पहुंच गए इनकरेक्ट तो भी सही है, पर जिन्होंने बहुत बढ़िया, इन्होंने शानदार इनकरेक्ट में निकाला कि 27, 40 इस तरीके जिनके गलत हुए, 13, 14, 15 तो बहुत सारे लोग गलत हुए, वही सबसे बड़ा निगेटिव फैक्टर रहा। तो यहां पर जो 180 से ऊपर जा रहे हैं वो थोड़ा सा, मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई कुछ भी होगा, आराम से आपको किसी भी कॉलेज में मिलेगा,
तो जो 170 से 180 वाली है दौड़ इस रेस में, अब यहां पर एक एक नंबर 1-1 मार्क्स का भी बहुत बड़ा खेल है। ये वाले लोग पहुंच जाएंगे लास्ट तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 200 प्लस जो स्टूडेंट हैं, 200 प्लस 230 की बात अगर प्लस की बात करी तो बहुत कम है, मतलब गिने चुने स्टूडेंट्स होंगे, और 200 प्लस स्टूडेंट 5% ये ऐसे होंगे जो 200 प्लस मार्क्स लाए हैं, है ना। तो ये लोग ऐसे भी होंगे, ये ध्यान रखें कि निमसेट में ही मूव करेंगे, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस लेंगे एनिमसेट में, तो ये फिल्टर हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है ये आगे जाके फिल्टर हो जाएगा। अब बात आएगी 170 से लेके और 200 तक, इनमें अगर किसी का एनिमसेट में नहीं हुआ तो इसके लिए CUTPG जिंदाबाद है, क्योंकि आगे जाके ये लोग एनिमसेट में पहले शिफ्ट होंगे, ठीक है। और देखा जाए तो DU के लिए ज्यादातर लोग अभी तक DU के लिए बोलते हैं भाई DU मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस बार मुझे लगता है कि DU CS ज्यादा डिमांडिंग में रहेगा। बहुत सारे वो बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो अपना NIT का कॉलेज छोड़ दें और DU GNU की तरफ मूव कर जाए। अगर ऐसा ट्रेंड हो गया कि लोगों ने NIMSET के टॉप 3 कॉलेज के अलावा चुनाव ना करके CUTPG की तरफ मूवमेंट हो गया तो भाई खेल बिगड़ जाएगा, पिछली बार से खेल उलट जाएगा, क्योंकि पिछली बार एक ही हवा थी कि पहले लोगों को उतना CUTPG के बारे में नहीं पता था, इस बार बहुत ज्यादा अवेयर है, इस बार बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो DU JNU और BHU के बारे में जान चुके और उनके दिमाग में बना भी है कि ले लेंगे। तो DU की लड़ाई बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि NIMSET वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे होंगे जो रिस्क ले सकते हैं, अपने टॉप 3 NIT के अलावा अगर उन्हें छोड़कर इधर मूवमेंट हो गया तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा, तब की बात अलग है। अगर नॉर्मली जैसे चल रहा है कि हर एक बच्चे ने सबसे पहले NIMSET का प्रेफरेंस रखा, NIMSET की प्रायोरिटीज दी कि NIT कोई भी हो हम ले लेंगे, उसके बाद अगर वो CUTPG की तरफ मूव करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो जो लोग 180 प्लस है वो लोग बहुत अच्छे से NIMSET को दे और वेट करते रहे, काउंसलिंग प्रोसेस अभी नहीं स्टार्ट होगी, अभी आपका स्कोर आ जाएगा, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो पोल है वहां पे पोल में ये दिख रहा है, जो चीज यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 550 लोगों ने यहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट किया, तो बिलो देन 150 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे इसमें देखें, तो हर जगह अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सबसे ज्यादा लोग इस वाली लाइन में आ रहे हैं, कहीं पर भी देखें जैसे 71% लोग है, 70% ये वाला जैसे यहाँ पे 70% 150 से नीचे रहे, मतलब मैक्सिमम लोग 150 से नीचे मार्क्स ला रहे हैं, 70% लोग हैं, और 170 से 150 और 170 मतलब 80% लोग हैं, कम से कम 80% पूरे कैंडिडेट्स में से लगभग 80% लोग जो है 170 से बिलो है। अब 20% लोग ही ऐसे हैं जो 170 से ऊपर है, तो जो 160 से 170 वाली स्लॉट है उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न वाली बात है कि पूरा पूरा अपना आगे जामिया और NIMSET में बिल्कुल भी रिस्क ना ले, मतलब इनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब इनको मिलने ही वाला है। तो अब बात करते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस, कैसे चैलेंज करना है, तो जैसे क्वेश्चन कौन कौन से थे तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको चैलेंज करना है तो आप पिछली बार भी हमने आपको PDF और उससे पहले बता भी चुके हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका ID नंबर, वो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन या तो हैंड रिटन या किसी नेट इंटरनेट की गूगल का कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई भी अच्छी बुक्स का रेफरेंस आप वहां पे सोल्यूशन में लगा सकते हो। तो एक एक करके बता देंगे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग थे। पहला क्वेश्चन ये था, इस पे आप चैलेंज कर सकते हो, जिसकी ID नंबर है, क्वेश्चन नंबर ID जैसे ये आप लास्ट के 3 डिजिट से मैच करा लीजिए तो आपका क्वेश्चन वहां पे मैच हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन कंप्यूटर का आया है प्रोसेस शेड्यूलिंग का है ना, ठीक है, तो OS का क्वेश्चन है, तो इसमें उन्होंने मिस्टेक केवल कुछ नहीं है, बस एक ही है कि आप P1 P2 P3 P4 होना चाहिए, तो इस जगह पर वहां पे मिसप्रिंट हो गया है, मतलब आप ऑब्जेक्शन, मगर क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो कि प्रोसेस में P1 P2 और P3 होना चाहिए, जबकि आपके ओरिजिनल कुछ पेपर में CUTPG में आपके रिस्पांस क्यू में यहां पर P2 दिया गया है, और ऑप्शन जो मेंशन है वहां पर प्रोसेस P1 P2 और P3 और P4 दिया गया। तो ये अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट भी एक तरीके से उनको कंसीडर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते कि अरे आप ओबियसली यहां पे P1 P2 P3 P4 आया, कहीं पर भी अगर मिस स्पेल्ड हुआ है
कुछ भी डेटा मिसिंग है तो वो चैलेंजिंग में जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि ये वाला क्वेश्चन चैलेंज आप कर सकते हो। अब ऐसा होगा कि चैलेंज अगर आपने किया तो होगा क्या कि अगर वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, जैसे किस केस में जब मिसप्रिंट होता है या रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, उनकी तरफ से मिसप्रिंट हो जाता है, तो उस केस में रहता है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा। पिछली बार ड्रॉप कर दिया गया था और 4 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। मतलब जैसे कि आपका अगर 175 है तो अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया तो 4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहां से आपका जो टोटल होगा 179 सबका खिसक जाए, 4-4 नंबर सभी के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे देख सकते हैं। दूसरा है ये भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का था ना, पेज फॉल्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में डेटा उन्होंने दिया है 106, इस जगह पे होना चाहिए था 10 to power 6। तो यहां पर भी मिसप्रिंट हुआ है, 106 मेमोरी एसएक्स दिया गया है जबकि 10 की पावर 6 होना चाहिए। इसकी क्वेश्चन आईडी है, ये लास्ट के आप डिजिट नोट कर सकते हैं क्या है, 17476। ये क्वेश्चन के लास्ट की आईडी है। तो अगर ये वाले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो देखो, जैसे ज्यादातर लोगों ने बोला है अपने मार्क्स आप डाल सकते हो, तो मैं बता ही रहा हूं ना, जिनका 119 जनरल बहुत बढ़िया है, और बाकी लोग जो अपने हैं मार्क्स डालते ना, जैसे कि मैं जरूर लास्ट में आपको कमेंट कर दें कि आपके मार्क्स क्या है। वैसे बहुत सारे बच्चे देखो दिक्कत आप ही फेस करते हो कि ज्यादातर अपने मार्क्स को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, बताते नहीं हो, बताओगे नहीं तो अच्छे से काउंसलिंग या कोई भी कोई नहीं हेल्प कर सकता। पोल किया गया, अगर आपने उसमें गलत से डेटा फिल किया है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं अपने मार्क्स को यहाँ पोस्ट कर दें तो फिर हम लोग मतलब आपकी हेल्प कर देंगे कि कितना आ रहा है, और इससे दूसरों को भी पता चल पाएगा कि मतलब चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। एक बार अपने मार्क्स आप पोस्ट करें तो मैक्सिमम किस किस रो में लोग रह रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। कि जो देखो ज्यादातर भी लोग जिन्होंने डाला है बढ़िया है, 166 है, हाँ 165 है, 140 बता रहे हैं, 133, और बताइए भाई। तो इस वाले क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हो जो बताया गया। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के हो गए, अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी लोग, अब देखो क्या है कि ये क्वेश्चन जब आया तो भाई कोई भी स्टूडेंट ये समझ पाया कि ये क्वेश्चन गलत है ना। सभी ने बहुत ही रिलैक्स तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर चैलेंज होगा तो घाटा होगा कुछ स्टूडेंट्स को। कैसे घाटा होगा तो आप देख लो। ठीक है, कि अगर अभी तक आपने आपकी जो रिस्पांस की आई है उसमें अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी और आंसर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये आंसर क्या दिया है सी, तो अभी आपको अवार्ड किए गए कितने, 4 नंबर अवार्ड किए गए। ठीक है, अब मगर वो लोग जरूर चैलेंज करें तो इनको घाटा, अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा तो 4 नंबर वो पहले से बड़े हुए तो ये यही रहेंगे, बट जिनका गलत अगर उन्होंने ऑप्शन नंबर सपोज कर दिया है डी, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सपोज आंसर टिक किया है और आंसर की में सी आंसर दिया गया है, मतलब ये आंसर उन्होंने बनाया है, तो अब क्या होगा कि उनका क्या था कि -1 चला गया ना, तो अब -1 चला गया, 4 नंबर मिलने चाहिए थे, क्लियर। तो जैसे ड्रॉप होगा तो 4 बढ़ेंगे, माइनस हट जाएगा, तो उनके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अब आप देख लो कि क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। हमेशा हमने बताया कि अगर 1 cos 2x को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 sin² x आएगा, और कभी भी रूट ऑफ x² जो होता है वो मॉड ऑफ x होता है, तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये हो गया √2 मॉड साइन एक्स रखना है आपको। ठीक है, LHL आपको खोलना ही नहीं है, ये ध्यान रखना कि 0+0 जा रहा है तो 2 ब्रांच में टूट जाएगा, 0+ और 0-, जब भी मॉड लगा होता है,
इसको बोल रहे हैं RHL और इसको बोल रहे हैं LHL। तो साइन का मॉड होगा लेफ्ट में जीरो से छोटे के लिए माइनस साइन एक्स और जीरो से बड़े के लिए क्या होगा साइन एक्स। जीरो प्लस एक्स करने की जरूरत ही नहीं, इतना लेंदी नहीं जाना है। तो यहां पर आ जाएगा रूट टू साइन एक्स, मतलब जीरो प्लस है ना, तो कितना आ गया रूट टू आ गया हमारी RHL। अब ये जीरो से छोटे के लिए क्या आ गया माइनस साइन एक्स, तो रूट माइनस लग जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स और ये कितना आ गया वन आ गया, तो माइनस रूट टू। तो यहां पर आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ऐसा दो, मतलब मुझे ऐसा लगता कि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, उनका मिस प्रिंट कैसे हो गया, जीरो प्लस रहा होगा यहां पर, क्या रहा होगा जैसे बच्चे बोले कि डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होना चाहिए, इतना उनका मिस्टेक हो गया। जीरो प्लस अगर होता है ये क्वेश्चन और यहां पर प्लस लिखा होता RHL चेक करा रहे थे तो आंसर कितना आ जाता रूट टू। तो ये चीज अगर यहां पर प्लस होती तो आंसर रूट टू मिल जाता, तो वो कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो दिए गए हैं चार वो जल्दबाजी में टाइप या तो हुए हैं है ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में जो टाइपिस्ट है ठीक है उसने कमीना पर हरामखोरी करी है कि थोड़ी मक्कारी कर दी, वो लोग चेक भी नहीं कर पाए, सॉल्व भी नहीं किया, तो यहां प्लस उसने गायब कर दिया और क्वेश्चन का आंसर जो है वो डज नॉट। तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी जो आंसर है वो है आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो हमने सॉल्व कराया था उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या खुद का आप लेके उसको पेस्ट कर दीजिए है ना, और आंसर डाल दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो ऑप्शन मैच। आप ऐसे डालेंगे कि नो ऑप्शन मैच्ड हियर। आप अपने क्वेरी पूछते जाइए, कुछ ना कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे का हेल्प करते रहे। और मैं बता रहा हूं कि जिनके मार्क्स 150 से ऊपर है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि लास्ट तक आपको शुरुआत के 7 कॉलेज में से, मतलब DU कौन कौन से 7 कॉलेज हैं, एक तो DU है इसकी बहुत लड़ाई इस बार होने वाली है, दूसरा है JNU, JNU से ऊपर इसमें चॉइस में रहता है BHU के टॉप क्रीम लेवल के कॉलेज है, ड्रीम लेवल के कॉलेज है जिनको लोग सपने देख रहे हैं। उसके बाद आता है पौंडीचेरी जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, इस बार इसमें तेजपुर भी बढ़ गया है, तेजपुर ऐड हो गया है। तीसरा है MUT मदन मोहन मौलवी, ये 3 और कॉलेज हो गए जो दूसरे कलर से लिखे गए। उसके बाद आता है कर्नाटका आ गया, IPU भी इसी में आ रहा है ना, कर्नाटका IPU। फिर उसके बाद जो आ रहे हैं कॉलेज हैं, फिर आप देख सकते हो और कॉलेज जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब हरियाणा यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेज बताते जाएंगे आगे। तो फिर AKTU भी आ जाता है, AKTU में मतलब हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो IIT लखनऊ ये आ जाएगा ठीक है। तो ये कॉलेज तक मतलब 150 वाले तो आराम से कहीं पर भी, अरे भाई 96 SC पे कौन सा मिल जाएगा, 96 SC है आपको DU मिल जाएगा और DU वाले बच्चे इतना शोर नहीं मचाते हैं है ना, तो आपको तो मिलने वाला है। देखिए SC ST कैंडिडेट के लिए क्या है कि बस आपने एग्जाम अच्छे से दे दिया और एग्जाम में निगेटिव नहीं किया तो, और मार्क्स आपके पॉजिटिव आ गए तो आज के डेट में 100 नंबर आपके लिए बहुत हैं, 100 नंबर पे बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त रहें और NIMCET की तैयारी करो ना करो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब लास्ट में इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है जो था मीन ऑफ 5 डेटा इज 5, इसको मैंने यार बच्चे से सॉल्व करके लगाया क्योंकि थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, क्योंकि पॉइंट में ले जा रहे हैं तो मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं तो आप उसको देख ले। और ये वाला क्वेश्चन था मीन ऑफ 5 डेटा इज 5.2 और देयर वेरियंस इन 27.9296 इफ 3 डेटा इज 1, 3 एंड 6, मतलब 3 ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए गए 1, 3, 6 और 2 ऑब्जर्वेशन आपको और बताने हैं, मतलब इन एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी। उन्होंने कहा कि भाई इनमें से कोई है तो ये है 17447,
ये वाली आईडी, क्वेश्चन नंबर आईडी जो है, ये क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन कोई भी मैच एग्जैक्टली नहीं कर रहा है। तो ये एक्स और वाई तो यहां दिखाया गया है, मतलब मैं आपकी हेल्प कर लेता हूं, यहां दिखाया गया मीन, मतलब ये तो यहां लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आईडी ये है, क्वेश्चन ऑप्शन आईडी ये है, मतलब आपको मेंशन करना होगा ऑप्शन आईडी यहां पर जब आप चैलेंज कर रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपको मेंशन करना होगा, फिर आपको सॉल्यूशन यहां पे पेस्ट करना होगा। कैसे भी हैंड रिटन सॉल्यूशन आप दे दें कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक्स का सॉल्यूशन दे दें कोई दिक्कत नहीं है, रिलायबल साइट्स का, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो मतलब सॉल्यूशंस वेरीफाइड सॉल्यूशन देती हैं, उसको आप देख सकते लगा सकते हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। आज 11 बजे तक आप सॉल्यूशन का चैलेंज कर सकते हैं, सोच समझ के आप चैलेंज करें, और करना चाहिए जरूर मुझे लगता है। तो 190 जनरल, वाह वाह वाह, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब किसी एक ने 190 प्लस पार किया है, बहुत बढ़िया, यस शाह। तो आप मजे से रहो, अच्छे से आपको मिलने वाला है, कोई रोकने वाले नहीं है, है ना, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ। अब कोई अगर बोल रहा हो कि नहीं 240-230 तक जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, तो अफवाह क्यों फैलाते हो यार, लोगों को डराने में आपको अच्छा लगता है, पिछली बार भी आराम से मिल गया था, इस बार भी मिलेगा। तो जो 200 के आसपास है उनको तो आराम से मिलने वाला है, किसी की औकात नहीं रोक दे, है ना, परेशान ना हो बिल्कुल। तो ये चीज, अरे भाई हमने बताया कि जब YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे डाला 10-15 हजार स्टूडेंट वहां पे एक्टिव है, टेलीग्राम पर कम से कम 1,500 स्टूडेंट्स वहां पे, व्हाट्सएप पर, तो मतलब 15,000 स्टूडेंट्स के बीच में वो पोल पहुंचा, तो वो पोल में 10-15 हजार स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पोल दिखा ही रहा है कि 70-75% स्टूडेंट जो हमारे 160 के नीचे ही है, मतलब इस बार मैक्सिमम लोगों को पेपर इजी लग रहा है, लोगों ने कहा पेपर इजी है, बट जब पेपर में रिस्पांस की आई तो उसमें जब 4-5 गिन रहे थे उनके 17 गलत हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे हमने टिक कर दिया। इस बार सबसे ज्यादा यही चीज का फेस लोगों ने किया है कि निगेटिव बहुत ज्यादा हुए, लोगों ने बताया गया बहुत बार कि आराम से आप करते हो ये गलतियां, आगे की भी करते रहोगे तो एकदम निपट ही जाओगे, अभी तब भी मैथ सही थी, इस बार थैंक्स टू मैथ, मैथ को थोड़ा धन्यवाद दे दो, क्योंकि जिसने भी अगर सही से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, सही से टेस्ट देते रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बोले अरे कंप्यूटर तो अपना है, रीजनिंग तो निकाल ही देंगे, मैथ्स नहीं करेंगे, हो जाएगा, धुआं निकल गया, है ना, मैथ्स को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को आप लेके चलिए, कंप्यूटर जरूर पढ़ते रहें, पर मैथ्स को तो उनको वो ईजी, जो लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि मैथ्स बहुत ईजी आई, बट बहुत से लोग उसमें धुआं निकल गया, अगर वो थोड़ा पिछली बार की तरह मैथ्स ले लेते भाई, तो लोग मैं बता रहा हूँ 120 नहीं पहुंच पाते, 130 नहीं पहुंच पाते, वही लोग 80% लोग 100 तक पहुंच जाते, तो गलत होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ रही है, तो जब x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ रही तो ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, 12 और 4 16 हो गया, 9 7 16 हो गया, 10 6 16 हो गया, 11 5 16 हो गया। पर जब वेरिएंस का फॉर्मूला आप लगाते हैं, यहाँ वेरिएंस दिखाया गया, तो वेरिएंस को अप्लाई अगर आप करते हैं तो यहां पर जाके लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है, ये चीज आ रही है हमारी फ्रैक्शन में, वो आ रही है हमारी 225.68। अब 225.68 किसी भी पेयर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इन दोनों पेयर को स्क्वायर कर जोड़ोगे तो 200 ही नहीं बन रहा है किसी से ना, यहाँ पे किसी को जोड़ोगे तो वो 160-170 से बन रहा है। तो कोई भी एक्स और वाई ऐसे डेटा ऑब्जर्वेशन नहीं है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ना ए ऑप्शन सही था, ना बी ऑप्शन सही था, ना डी ऑप्शन सही था, सी ना सही था, डी नहीं था, तो ए बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस गलत निकले। तो मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ कि चार, और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस का भेजा था, बट मैंने उनको मना करा है कि सारे मिला जुला के सब कुछ देखने के बाद अभी तक, तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे आगे। अभी तक अब अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, जितने भी बच्चे यहां पर इकट्ठे हुए हैं पहले, बाद में भी आएंगे तो देख सकते हैं। तो 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आप क्वेश्चंस पे चैलेंज कर सकते हो, किस वजह से चैलेंज कर सकते हो,
कंप्यूटर के दो क्वेश्चंस कंप्यूटर में ऐसे हैं जो मिस प्रिंट है, डेटा मिस प्रिंट है, मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग कैटेगरी में जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा, चार चार नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। मैथ्स में दो क्वेश्चन है, मैथ्स में दो तो दो दो चार हो गए, एक लिमिट्स वाला है जिसमें चारों ऑप्शन दिए गए, कोई ऑप्शन नो ऑप्शन मैच, गलती ये है कि नो ऑप्शन मैच या तो राइट हैंड साइड वो पूछे तो हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट कर दें, तो ये क्वेश्चन का आंसर ही उन्होंने गलत दे दिया, ठीक है। तो आंसर सी दिया है, आंसर सी नहीं होगा, वो आंसर सी यानी कि नो ऑप्शन मैच हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका रीजन है कि नो ऑप्शन मैच, कोई भी ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहां पे अपना डाउट मतलब अपना सजेशन देंगे कि दिए गए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लिमिट एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है, या तो ये क्लियर करें कि राइट हैंड साइड हम आरएचएल पूछ रहे हैं, आरएचएल अगर होगा तो आंसर मैच हो जाएगा, तो दो बातें यहां पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी ऑप्शन नहीं होगा, नो ऑप्शन मैच हो रहा है। और जो क्वेश्चन हमारा स्टैट्स का था जो दिखाया गया, उसका भी डेटा चेंज हो रहा है। अब अपने डाउट्स पूछ लो भाई, चलिए कौन कौन से डाउट्स है, 60 पर कुछ मिल सकता है क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन द्वारा सबसे पहले जो आप पूछते हो कि 60 पर कुछ मिल सकता है, ये ध्यान रखना है कि यार सीयूटी पीजी एक बहुत बड़ा एग्जाम वेंडर है, बहुत सारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नाउ दे आर टेकिंग फ्रॉम द एडमिशन फ्रॉम द सीयूटी पीजी, तो जो भी आपका स्कोर अगर एक भी होगा ना, एक नंबर निगेटिव भी होगा, तब भी आपका एडमिशन होगा। तो ऐसे कैसे पूछते हो कि 60 क्वेश्चन मार्क्स पर आपका होगा कि नहीं होगा? लॉट्स ऑफ कॉलेज, ऑल द स्टेट लेवल कॉलेजेस, मतलब सोचो एक ही टीयू पूरा समा गया है, ऐसे कितने एक ही टीयू, ऐसे कितने स्टेट्स, यानी जितने भी स्टेट्स हैं सब सेंट्रल सीयूटी पीजी में समा गए, और एक ही टीयू में कानपुर में ही इतने सारे कॉलेज हैं, तो ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे कितने सारे कॉलेज होंगे जहां पर ये सारे पीजी प्रोग्राम चल रहे हैं, सबको इसी से मर्ज कर दिया गया। तो आपका 60 नंबर हो, आपका 13 नंबर हो, 17 नंबर हो, 170 हो, 180 होगा, बट सभी लोग बात कर रहे हैं कि क्या मेरा डीयू में होगा, क्या मेरा जेएनयू में होगा, क्या मेरा बीएचयू में होगा, क्या मैं बीएचयू का सपना देख सकता हूं, क्या मुझे पेड सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो इन सब पे समय आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको ज्यादा अपना टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी मार्क्स आपके आ गए, अगर आपके मार्क्स 170 170 180 ऐसे मार्क्स आए हैं तो आपको लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कॉलेज की काउंसलिंग में 4 या 5 राउंड तक काउंसलिंग जाती है। इस बार उन्होंने बहुत पहले निकाली है, सबसे अच्छी बेनिफिट वाली बात क्या है कि इस बार उनका रिजल्ट, अब वो रिजल्ट चाहे तो 15 अप्रैल को दे दें, 13 अप्रैल को दे दें, जिस दिन चाहे, तो जो भी उन्होंने डेट दी है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे जैसे ही आप चैलेंज करोगे, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं कर देंगे, एक प्रोसेस लगा देंगे, उस दिन आराम से 11 बजे अपलोड हो जाएगा रिजल्ट, तो आपको पता ही चल चुका है, पास रिजल्ट तो पता ही चल चुका है, आपको रिजल्ट में रहा क्या, स्कोर आ जाएगा उस दिन। आप काउंसलिंग जो प्रोसेस होगा, तो काउंसलिंग प्रोसेस अब जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एनटीए का काम यहां से खत्म हो जाता है, एनटीए ने जैसे ही अपना स्कोर रिलीज कर दिया उसके बाद अब एनटीए का सीयूटी पीजी का काम खत्म। अब ये स्कोर कार्ड ही आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड है। अब आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अपना, तो अब याद ध्यान रखो कि भाई मई तक तो कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, जो ये लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी इस बार जीतेंगे तो जीतने के बाद ही कुछ आगे डिसाइड होगा, तो अभी से उनको हम बधाइयां दे देते हैं, बता रहे कि 400 पार पहुंच जाएंगे इस बार, चलिए तो पहुंचाइए उनको। तो बाकी लोग तो कोई अब है ही नहीं भाई, मतलब मुझे जीत क्यों जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको जिताया जाए, करा भी किया जाए, तो ऐसी लड़ाई लो मोदी जी की तरह एक तरफा। अब आप 150 नंबर लेके आयो, अब आप हमें तो परेशान करोगे करोगे, और ना जाने किस किस टेलीग्राम पे जा जाके आप पूछोगे, पूछना बंद कर दो, 150 नंबर है। मैं बोल रहा हूं कि 7 ऊपर के कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए,
उनमें से आपका कहीं पर भी हो सकता है और लड़े रहिए। अब डीयू का अगर काउंसलिंग प्रोसेस, अब देखो मई में तो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगा, जून में भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगा, ये भूल जाओ। अब आपको ये स्कोर कार्ड जुलाई से कोई भी, अब इतना ज़्यादा एक्टिवेट ये सब कॉलेज नहीं हो गए, जितने भी कॉलेज हैं मतलब निमसेट का एग्जाम लेट होगा, काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगी। इनकी काउंसलिंग पास ये कहेंगे सोचेंगे भाई जुलाई के बाद, तो जुलाई तक तो आप कुछ भी आप वेट करना पड़ेगा। अब जुलाई तक कितने बार पूछोगे आप और कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इन पर समय बर्बाद मत करो, है ना। और कोई अभी कुछ बता भी नहीं पाएगा, क्यों नहीं बता पाएगा, जिस बच्चे का अगर मान लो 210 है, 220 है, 230 है, ऐसे लोग आराम से कॉलेज पा जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, मगर वो खुद नहीं बता पाएगा कि आगे जाके उसका निमसेट में होगा या नहीं होगा, जामिया में उसका होगा या नहीं होगा। तो जब तक निमसेट का एग्जाम 8 मार्च को नहीं हो जाएगा, 8 जून को, तब तक सीयूटी पीजी वाले काउंसलिंग वो भी कोई फायदा नहीं कराएंगे ना। तो उसके बाद जब जुलाई में काउंसलिंग होगी, अब काउंसलिंग हमारी 5 राउंड में कम से होती है। तो पहले क्या होता था, पिछली बार काउंसलिंग हमारी अगस्त सितंबर में चली गई थी, बहुत लेट हो गई थी, तो फिर अगस्त सितंबर के बाद लोड हो जाता है कि काउंसलिंग बहुत लेट तक नहीं जा पाती है। इस बार क्या होगा कि अगर जुलाई मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट निकाल दिया गया तो जुलाई तक तो इनको करना ही होगा, तो जुलाई से लेके अगस्त तक, मतलब अगस्त हमारा एक मानक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक मानक, मतलब 15 अगस्त के बाद ही कुछ चीज़ें शुरू करते हैं, मान चलते कि 15 अगस्त के बाद ही हम लोग कुछ भी श्री गणेश करेंगे, उससे पहले तो आप ये अपडेट नहीं होने वाले। तो इनके पास जुलाई से लेके अगस्त तक काफ़ी टाइम है, तो टाइम होता है तो लिस्ट निकालते रहते हैं, तो 4 तो लिस्ट में निकालते ही हैं, तो हर एक लिस्ट में कैंडिडेट्स 50-50 के करीब कैंडिडेट्स वो अपना निकालते रहेंगे, तो 200-300 लोगों को मौका मिलेगा, तो 200-300 लोगों को शुरुआत मौका मिलेगा, उसमें आप आराम से भरिएगा। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट में हम आपको कुछ नॉर्म्स दिखा देते हैं जो मेहनत से बनाए गए हैं कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस जाएगी, और इतना ही। तो यहाँ पर है एडमिशन आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, पर मैं बता चुका हूँ वैसे कि देखिए काउंसलिंग एनटीए का काम नहीं है, सीयूटी पीजी का काम नहीं, बट एक न्यूज़ आ रही है सीयूटी यूजी के लिए कि इस बार एनटीए एक काम कंबाइंड काउंसलिंग कराएगा, जैसे कि जेई मेंस की होती है, नीट की होती है। पिछली बार तक काउंसलिंग कैसे होती रही, सीयूटी पीजी ने अपना स्कोर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या किया, स्कोर कार्ड देने के बाद बोल दिया कि भैया आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, सभी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला, डीयू ने अपना अलग निकाला, बीएचयू ने बहुत पहले निकाल दिया था, और जेएनयू अपना अलग नोटिफिकेशन, ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेंगी, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस का चढ़ावा चढ़ाएंगे। ये ध्यान रखें कि आगे जाके अलग अलग अगर काउंसलिंग हुई, हर एक कॉलेज ने अलग अलग अपनी काउंसलिंग कराई, तो हर जगह आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस जमा करनी पड़ेगी, है ना। फिर वो काउंसलिंग अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट उनकी जारी होती रहेंगी 10-15 दिन के अंतराल पर, जहां जहां आपका होगा तो आप एडमिशन ले लेंगे, जहां नहीं होगा तो वेट करते रहेंगे। तो ये काउंसलिंग कम से कम 2 महीने का प्रोसेस होता है, जब ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब प्यारे, तो काउंसलिंग स्टार्ट जो है वो जुलाई के आसपास ही होगी, है ना, अभी तो नहीं होने वाली। 195 ओबीसी जेएनयू मिल जाएगा यार, बहुत बढ़िया ट्रैवलर, तुम पहले ऐसे स्टूडेंट जिनका 195 यहाँ पे स्कोर आया, यानी टॉपर हो भाई, अभी तक किसी ने इतना इस बढ़िया स्कोर डाला नहीं है। एचबीटीयू का सेफ स्कोर कर, अच्छा एचबीटीयू तो मैं भूल ही गया यार, ओहो हो हाँ, तो अच्छा है, तो मतलब जो हमने अपने कॉलेज आपको गिनाए थे उसमें, हाँ देखो तो एचबीटीयू का खेल ऐसा है, इस बार एचबीटीयू पहुंच गया है सीयूटी यूजी पीजी में ना, और एचबीटीयू ने एक बात और बता करके रखी है कि इस बार उनका ओनली यूपी उत्तर प्रदेश यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स को ही हम एचबीटीयू अलॉट करेंगे। इस ईयर से एचबीटीयू जो है केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, पिछली बार जब वो निमसेट से पार्टिसिपेट कर रहा था, पिछली और पिछली साल उससे पहले निमसेट से करता आया, पर 2 साल उन्होंने क्या किया था, इसको जेनरिक कर दिया था, ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, एचबीटीयू में एडमिशन ले सकता है। बट इस बार का अभी हमने प्रॉपर वाउचर नहीं देखा, बट वहाँ के स्टूडेंट बताया था कि सीयूटी पीजी में मर्ज हो गया है, तो वो तो कन्फर्म ही है। दूसरी बात उन्होंने बता रखी है कि यूपी के डोमिसाइल यानी उत्तर प्रदेश का जिनके रहने वाले नहीं, ये तो तुम लोग अभी कल से पूछने लगोगे कि हम भैया बनारस रह रहे हैं, तो ये बात
जिनके पास वो चाहे बिहार रहे, चाहे एमपी रहे, महाराष्ट्र रहे, कहीं रहे, डोमिसाइल आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका यूपी का है बन जाता है तो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। इस बात को मैं एक बार कंफर्म कर लें तो ये कॉलेज ऐड होने से एक और अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो 140 से लेके 150-60 वाले लोग हैं उनके लिए बेहतर चांस यहाँ पे बढ़ गए हैं। बाकी अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देंगे। आज आपने अपने मार्क्स डाले तो हमें आइडिया मिल गया है, तो मैं थोड़ा सा और आपको बताता रहूँगा। पोल पे आप जरूर, यहाँ पे एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके अपने पोल को भरिए तो उससे और पता चल पाएगा एग्जैक्ट कि आपका क्या सीन रहा, और एग्जैक्टली भरिए तो हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आप अपना डेटा जब तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम लोग उतनी हेल्प नहीं कर सकते। हमने जो कट ऑफ बताया है, जो सेफ स्कोर बताया है, वो एक रिसर्च था 2 दिन का, ये बात हम लोग कल भी बता सकते थे, पर वो उतनी प्रमाणित नहीं थी। जो आज अभी ये प्रमाणित है वो खुद दे सकते हैं। आप टेलीग्राम में निमसेट के ग्रुप पर जाके, व्हाट्सएप के ग्रुप पर जाके, या कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट पड़ी है उस पर जाके देखें, तो अगर वो 1000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 80% लोग अगर उस चीज को कर रहे हैं तो कुछ लोग तो गलत बोल रहे होंगे क्योंकि उनकी आदत है। तो मान चलते हैं कि किसी ने क्या किया कि 230 प्लस, तो उन्होंने कहा चलो मजे ही ले लेते हैं। तो कुछ लोगों को हमने देखा है, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं कर सकता है। बट कई हद तक हमें आइडिया मिल जाता है कि मतलब ज्यादातर लोगों ने 150 से नीचे, बट हम लोग अभी ये कैटेगरी ये नहीं डाले थे कि 150 में फिर 140 130। तो अगली बार हम लोग एक पोल क्रिएट करेंगे कि 100 से लेके 130-140 वालों में से कौन सी रेंज है। तो अब हम लोग 150 से नीचे वाले और 200 से ऊपर वालों को देखेंगे कि कितने चले गए। ये लोग जब ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है 150 और 100-200 के बीच में लोग कैंडिडेट कम है, तो ये जो है ये कम है इनके पास मतलब। और 170 से ऊपर वाले जो है, तो 170 से 160 के बीच में ज़्यादा लोग हैं, 158 157 163 162 ऐसे लोग ज़्यादा हैं। ये लड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब एक एक नंबर की लड़ाई यहाँ पर है। तो SBTU बढ़ने की वजह से यूपी वालों को राहत है, 120 सीटें बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, ठीक है 120 सीटें बहुत लोगों को कवर करेगी, तो इसको ले सकते हैं। बाकी 4 क्वेश्चन चैलेंजिंग है, मैंने बता रखे हैं, आपको करना तो ठीक है, नहीं करना तो वो आप देखिए, बाकी आगे बात करेंगे। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे ये सेशन नहीं लेना था, पर मुझे लगा फिर बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा कि आप अभी तक पढ़ाते रहे CUTPG, आप अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कैसे मैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये लोग समय ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और पता है आपको रियलिटी से ज़्यादा र्यूमर ज़्यादा अच्छा लगता। मैं अगर इसी थंबनेल में लगा देता कि 220 से नीचे किसी का एडमिशन नहीं होने वाला SBRDU का, तो आपको वो बात बहुत पसंद आ जाती है। लोग कुछ लोग ऐसा करते हैं, हर साल करते आ रहे हैं, पिछली बार भी ऐसे लोगों ने किया। पिछली बार लोगों को लगता था कि जिनके 200 मार्क्स थे वो रो रहे थे, एग्जाम के 1-1.5 महीने तक उनकी टेंशन में ही निकल गया उन्होंने, और भी टेंशन, और जबकि उनको आराम से मिल गया था। तो ये हर बार होता है और आप उनके चक्कर में पढ़ते ही पढ़ते हो, तो मानोगे नहीं, अभी जाके फिर ऐसे कुछ करोगे, ठीक है। मतलब इस बार हुआ क्या है, मेजर फॉल्ट ये समझिए कि अब कोई बड़ी बड़ी बात मान ले, मैंने भी आंसर की थी, मैंने भी गलत बोला, मैंने भी सारे लोगों का रिव्यू बोल के ही बोला कि OS आ गई, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि कहाँ का मैंने वही देखा रात में जाके पेपर पूरा टाइप करके OS कितनी आ गई, तो मुझे मैंने खुद झूठ क्या गलत बोल दिया। प्रॉपर बैलेंसिंग में आया पेपर, अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस करी कि 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और प्रॉपर ये बैलेंस में स्ट्रक्चर हुए हैं सभी के। DSA का पार्ट इसमें रहा, डिजिटल का भी पार्ट रहा और OS का भी पार्ट रहा, मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए रिमेनिंग। अब मैथ्स मतलब रीजनिंग के अगर आप 10 कर सकते हो या 12, कि दो नंबर दो क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में कॉमन थे, बाकी बचे हुए उधर चले गए, ठीक है। लोगों के सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को निगेटिव से नहीं रोक पाए, निगेटिव जो था उनके लिए काल हो गया। 15 मिनिमम निगेटिव हैं ये, अब आप अपनी रिस्पॉन्स की तो देख ही रहे। जिनके में भी 10 है ना, जिन्होंने 10 अगर निगेटिव कर दिए वो लोग अच्छे स्कोर पे हैं, और जितना इन्होंने ये जिन्होंने ये इम्प्रूव किया है, और मैं बोलता हूँ जिसका मार्क्स बहुत अच्छा है तभी रहा होगा, मतलब 60 के करीब, अब वो लड़का बहुत ही यूनिक होगा जिसने 70 कर दिए हैं, और मान लो 2-4 से 5, मतलब बहुत बढ़िया सावास लड़का होगा, कहीं पर भी हो, कोई कैसी भी तैयारी कर रहा हो, ये बहुत बड़ा स्कोर था। मतलब यहाँ पे करना, एकदम से अचानक ऐसा पेपर आना,
लोगों ने 60 तक पहुंचे और 60 में हुआ क्या कि किसी ने अगर 5 निगेटिव कर दिए, बहुत बढ़िया स्कोर है, किसी ने 20 निगेटिव कर दिया, बुरा हो गया, है ना। और लोग ज्यादातर क्या हुआ, सबने एक मान रखा था कि भाई कसम खाना में 60 तो पहुंचना ही पहुंचना कैसे भी, लास्ट में जाके झोंक दिया लो ना, डी रैम पी रैम जो भी उन्होंने दिखा, उन्होंने कहा आंसर सही होगा, लो मार दिया। तो एक तमन्ना होती है कि ना 50 प्लस तो मार नहीं है, उस वही तुम्हें ले डूबी, वो एग्जाम में आगे मत करो प्लीज, है ना। अब हम मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि अगर 25 क्वेश्चन भी करते आराम से 4 का, तो 100 ऐसे बन रहा है, जबकि आप अगर आप बहुत सारे बच्चों के 100 नहीं बन रहे, है ना। 35 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया, है हाँ, लोग आराम सुकून से पेपर करते चे। तो ये आगे मत करो प्लीज, है ना, दिखाने के चक्कर में, बताने के चक्कर मत करिए, ये सीखिए। निमसर बचा हुआ है, आज के लिए इतना ही, ऐसे तो बहुत सारी बातें आप पूछते रहोगे। 24 गलत हुए मेरे, मुझे मतलब हंसी तो नहीं आनी चाहिए आप, देखो 21 गलत हुए, एक तो 149 कल देख रहा था तो मुझे लगा करेक्ट इनकरेक्ट अलग हो गया, 49 गलत है क्या बताएं, 19 सही है, बंद कर दो भाई, बताओ यार ऐसा मत करो है। ये पेपर में IGTU, अच्छा एक मिनट, IGTU भी एक अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, मैं भूल गया था, और मैंने लिस्टिंग बताया था, बहुत अच्छा, मतलब गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है IGDTU, वुमेन्स के लिए 130 प्लस तो मिलने, मतलब इसमें मिल सकता है 130 के ऊपर अबव वाले, बाकी हम लोग फिर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बात हमने बताई रखी है कि जो यार जिनका देखो कॉलेज लेना है 100 प्लस अगर मार्क्स है तो पेशेंस रखो, टॉप 10 कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं होती है, ठीक है। बहुत से लोगों के यही देख लो ना, 80 है, 70 हैं, 75 हैं, 65 हैं, लोग बता नहीं रहे, तो 100 भी लोग नहीं कर पाए हैं, गलत बहुत हुए, ठीक है आज इतना ही। एक मिनट में क्या 94 वाला, 494 वाला क्वेश्चन भी डाउट है सर, मिस प्रिंट है उसमें, प्रिज्म और ऐसा डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम दोनों के टाइम को कॉम्प्लेक्स, ऐसा मैं देख लेता हूँ जो आपने 494 वाला बोला है, टेलीग्राम पे भेज दें, क्योंकि कंप्यूटर भाई मैं इसलिए आप हेल्प करोगे, कंप्यूटर मुझे कुछ नहीं आता है, 0 है, तो इस मैथ्स में अगर बात बोलते तो अभी बोलते। 185 में ड्यू मिलेंगे सर, बहुत बढ़िया स्कोर है 185, नो डाउट, मतलब बहुत ही अच्छा है, दूसरों के चक्कर मत पड़िए, जो भी 170 से ऊपर कर रहे हैं बहुत बढ़िया करा है, कुछ लोग अच्छा करके आए होंगे, 220 होगा, 210 होगा, 212 होगा, वो लोग निमसेट में भी अच्छा करेंगे तो तब वो फिल्टर हो जाएंगे, तो निमसेट का वेट करिए, आधे लोग वहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।